बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आर्मड फोर्स के जॉब्स के बारे में। आर्मड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। वो तमाम पाकिस्तान जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, जिनके पास तालीम प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक या फिर एफ ए तक कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पे आपने लिखना है फौरी नौकरी। लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी foreignnaukri.com। आपने इसको ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पे 120 सरकारी जॉब्स आपके सामने आ जाएगी। जो आपको डिग्री के मुताबिक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आर्मड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जॉब्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको बेसिक डिटेल बता देता हूँ। कंपनी नेम की बात करें तो आर्मड फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानब से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एजुकेशन की बात करें तो प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, एफ ए तक कोई भी डिग्री आपके पास है, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो रावलपिंडी के अंदर आपको तैनात किया जाएगा सिलेक्शन के बाद। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जुलाई आखिरी तारीख है। आपने 20 जुलाई से पहले पहले अप्लाई करना होगा। ये परमानेंट जॉब है। 50 से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। स्केल के मुताबिक आपको सैलरी दी जाएगी। 29 मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर 200 जॉब्स अवेलेबल हैं, जिनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। आपने इन जॉब्स के लिए अगर डिटेल देखनी है, तो यहाँ आके आप एडवर्टाइजमेंट के इश्तहार को ओपन करके इसके ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोटा साथ साथ बताता चलूँगा कौन से सूबे से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर AC रेफ टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। 1 का आसामी खाली है। 10वें स्केल की जॉब है। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। पंजाब से एक आदमी को लिया जाएगा ओपन मेरिट पे। इसके बाद डिस्पेंसर की 3 आसामियाँ खाली हैं। 9वां स्केल होगा इसका। मैट्रिक तालीम की ज़रूरत होगी। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। पंजाब से और बलूचिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहती हैं तो 9वें स्किल की जॉब है। 5 आसामियाँ खाली है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। पंजाब के सिंध से तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। 9वें स्किल की जॉब है। 4 आसामियाँ इसमें खाली है। मैट्रिक साइंस के साथ पास होना ज़रूरी है। 18 से 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। KPK बलूचिस्तान सिंध से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 आसामी इसकी खाली है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। पंजाब से एक आदमी को लिया जाएगा। 6वें नंबर पे CSSD टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। बलूचिस्तान से कोई भी एक आदमी को लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों SAECG टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। 1 आसामी खाली है। मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। सिंध से एक आदमी को लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों फेंसिंग टेक्नीशियन की जॉब अवेलेबल है। टेक्नीशियन ग्लास फिल्टर की जॉब अवेलेबल है। CD रिकॉर्ड की जॉब अवेलेबल है। इन तमाम की तमाम जॉब्स के लिए तालीम की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो आया की जॉब अवेलेबल है। वाशरमैन की जॉब अवेलेबल है। डेड बॉडी हैंडल की जॉब अवेलेबल है। कुक की जॉब अवेलेबल है। नैब कासर की जॉब अवेलेबल है। ठीक है, इन तमाम की तमाम जॉब्स के लिए प्राइमरी पास होना ज़रूरी है। ठीक है, एज 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। लोकल बेसिस पर कोई भी आदमी अप्लाई कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों सिंपल तरीका कार है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। आप इजीली ऑनलाइन यहाँ आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये नीचे आपको वेबसाइट का नाम भी बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑनलाइन फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।